The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, how are you today? Kaise hain aap dosto? Namaskar adab, sat sri akal, main hu Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू की. बहुत कॉमनली फैल रहा है, आजकल सीज़न भी चल रहा है दिल्ली एनसीआर में. वेरी हॉट टॉपिक, सबको जानकारी होनी अति आवश्यक है. बचना, बचाव सबसे ज़रूरी है. नॉलेज इज़ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट. स्वाइन फ्लू हो जाता है तो दिक्कत बढ़ सकती है. सो रिमेंबर, स्वाइन फ्लू क्या है, कैसे होता है, कैसे ठीक होता है, क्या इलाज होगा, कैसे होता है, कैसे बचें, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा, ये एक इन्फेक्शन है. स्वाइन फ्लू एक वायरस है. ये दूसरे फ्लू यानी नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, नॉर्मल फ्लू के जैसा नहीं है. ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है, लेकिन सिमिलर वायरस है, लेकिन उसका अलग ब्रांड है, अलग स्ट्रेन है, अलग टाइप है. पहली बार ये हुआ था 2009 में, कहीं पे पूरी दुनिया में कई जगहों पे हुआ था. और इसका नाम स्वाइन फ्लू इस तरह रखा गया था क्योंकि ये जो वायरस है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा, जो स्वाइन, जो पिग्स के अंदर फ्लू वायरस होता है, उसके जैसे दिख रहा था, सिमिलर था, इसलिए उसका स्वाइन फ्लू नाम रख दिया गया. लेकिन बाद में पता चले ये अलग है, स्वाइन फ्लू यानी वहाँ से नहीं आया है. ये इसका नाम एक्चुअली H1N1 है, लेकिन वो स्वाइन फ्लू नाम उसका रखा गया तो वो स्टिक हो गया. सो होता क्या है, ये बेसिकली एक वायरस है, राइट. और ये वायरस पर्सन टू पर्सन फैलता है, आपको दूसरे किसी इंसान से हो सकता है. ये पिग से आया ही नहीं है तो पिग से नहीं हो सकता. ये स्वाइन खाने से या पिग खाने, पोर्क खाने से नहीं होता, और या पोर्क प्रोडक्ट खाने से नहीं होता, ठीक है. ये होता है आपको पर्सन टू पर्सन, यानी दूसरा किसी ने छींका खासा, एयरबॉर्न रूट से आपके अंदर आएगा. उनके जहाँ भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, सलाइवा है, उनमें रहेगा. उन बॉडी फ्लूइड्स का आपके ऊपर टच हुआ, आपको टच कर दिया, आपके अंदर जा सकता है. और ज़्यादातर लोगों में ये बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आपके अंदर जाएगा, अगर आपके एरिया में सीज़न या आउटब्रेक चल रहा है तो. लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग इससे बिना किसी दिक्कत से, उनकी इम्यूनिटी खुद इसे टैकल कर लेगी, उसे स्वाइन फ्लू के वायरस को हरा देगी. लेकिन कुछ लोगों में दिक्कत बढ़ सकती है. सो होता क्या है जब स्वाइन फ्लू होता है. देखिए, जब भी स्वाइन फ्लू होता है, पहले जो सिम्टम शुरू होता है, दिक्कत शुरू होती है, पहले 3 से 5 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही आपके अंदर वायरस गया, 3 से 5 दिन के अंदर अंदर सिम्टम शुरू होते हैं और ज़्यादातर 8 दिन तक रहते हैं, ठीक है. 3 से 8 दिन के बीच में ज़्यादातर बिल्कुल जैसे नॉर्मल फ्लू होता है उसके जैसे सिम्टम होंगे. बुखार होगा, खांसी होगी, गला थोड़ा ख़राब लगेगा, आपको सर में दर्द हो सकता है, ठंड लग सकती है, थकावट रह सकती है, नाक बह सकती है, नाक बंद हो सकती है, और मसल्स में दर्द रह सकता है, उल्टी आ सकती है, और आपको डायरिया भी हो सकता है, ठीक है. सो याद रखिए, इन सब सिम्टम्स, ऐसे कोई सिम्टम्स हैं ये एडल्ट्स में होंगे. बच्चों में होगा तो बच्चों में क्या होगा, छोटे बच्चे थोड़ी बता सकते हैं. छोटे बच्चों में क्या क्या देखना है आपको, अगर उनको फ्लू जैसे सिम्टम हैं, सर्दी खांसी लग रही है, तो क्या उनको कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं उनको बुखार के साथ साथ कोई रैश तो नहीं आ रहा, कुछ रैश हो अगर तो वो खतरनाक, वो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा. कन्फ्यूजन तो नहीं है, इनपेशेंट तो नहीं है, रेस्टलेस तो नहीं है बच्चा, सुबह उठने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक से दूध या पानी पी तो नहीं रहा, पी रहा है कि नहीं, ठीक से खा पी नहीं रहा. और अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स ठीक ही नहीं हो रहे हैं, काफ़ी जा ही नहीं रहे हो, या जाते हैं फिर वापस आ जाता है बुखार, बार 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 आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है. रिमेंबर दिस. तो डॉक्टर क्या करेगा, डायग्नोस करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी सारी हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देख के उसके बाद फिर आपका एक टेस्ट करेंगे. फ्लू टेस्ट होता है, रैपिड फ्लू टेस्ट. रैपिड फ्लू टेस्ट के साथ और भी बाकी वायरसेस के बारे में चेकअप किया जाता है, और बाकी ब्लड टेस्ट और इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी टेस्ट किया जा सकता है. H1N1 का जो टेस्ट है उसको रिपोर्ट आने के लिए कुछ दिन लगते हैं, कुछ दिन, जी हाँ. इसलिए आपके डॉक्टर को अगर लग रहा है कि उस एरिया में H1N1 स्वाइन फ्लू वायरल इन्फेक्शन फैला है और आपको उसे ही सिम्टम है, तो फिर अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके एरिया में स्वाइन फ्लू फैला है और आपके सिम्टम वैसे ही है, तो फिर आपको राइट अवे एम्पिरिकल दवा शुरू कर दी जानी चाहिए और जाती है, राइट. ये काफ़ी कॉमन है, ज़्यादातर आउटब्रेक वाले एरिया में ऐसा होता है.
सो कौन सी दवा दी जाती है आपको स्वाइन फ्लू के लिए? जो दवा दी जाती है एंटीवायरल मेडिसिन होती है, जिसका नाम है, दो प्रकार की है, एक तो ओसेल्टामिविर नाम है और एक रानामिविर नाम की दवा है। ये दवा से क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी को हेल्प होती है कि इस वायरस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, प्रिवेंट करें, ताकि ये और ना बढ़े, लोगों को और फैलने में रोके, ताकि आपकी रिकवरी बेहतर हो। और ये दवा करती क्या है, बेसिकली आपके जो फ्लू वायरसेस है उसकी रिप्रोडक्शन की, वो उसकी एबिलिटी जो प्रोड्यूस, एक से दो, दो से चार रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसको कम कर देती हैं, वो डिक्रीज कर देती हैं। और इससे क्या होगा, आप कम दिन के लिए बीमार होगे, वो बीमारी ज़्यादा तेज़ नहीं फैलेगी, आपके सिम्टम जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। और ये दवा तब ज़्यादा इफेक्ट करती है जब जितनी जल्दी उसको शुरू करें, जब से बुखार आया, जब से दिक्कत होनी शुरू हुई, पहले दूसरे तीसरे दिन से, तब से इसको दवा को शुरू करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसीलिए अगर आपको हाई रिस्क है या आप उस इलाके में हो जहाँ पे स्वाइन फ्लू फैला है, तो ये दवा शुरू कर दी जाती है। हाई रिस्क किसको होगा, मान लीजिए आपको अगर स्वाइन फ्लू हो गया तो आपको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप प्रेग्नेंट है तो हाई रिस्क, आप ग्रुप में आ गए। अगर आप छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से छोटे, या यंग हैं, फिर भी इवन 24 साल से पहले यंग है तो भी हाई रिस्क माना जाता है। 65 साल के ऊपर हैं एज तो भी हाई रिस्क है। अगर आपको पहले से कोई सीरियस बीमारी है, पहले से हॉस्पिटल में एडमिट है, हाई रिस्क है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, आपको कोई क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है, एस्थमा है, हार्ट डिजीज़ है, आप हाई रिस्क हैं। तो इसीलिए देखा जाता है कि आपको बीमारी हाई रिस्क है तो आपको दवा शुरू की जाए। इसके अलावा आपको बुखार है तो बुखार की दवा चलेगी, एसिटामिनोफिन, पैरासिटामोल, ब्रूफिन दे सकते हैं, नेप्रोक्सिन दे सकते हैं, ये बुखार के साथ साथ दर्द भी ठीक करेगी। लेकिन एस्पिरिन नहीं देना चाहिए, एस्पिरिन, इकोस्पिरिन, डिस्पिरिन नहीं देना चाहिए, वो नहीं, वो अच्छी नहीं है इसके लिए। और मेक श्योर करना चाहिए कि उस दौरान आप खूब पानी पी रहे हैं, खूब रेस्ट ले रहे हैं। बहुत सारा पानी, बहुत सारा रेस्ट बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, राइट। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए दोस्तों, ऑब्वियसली H1N1 को प्रिवेंट करने के लिए फ्लू वैक्सीन आती है, फ्लू शॉट पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देते हैं। CDC ने बोला है कि 6 महीने से ऊपर जो भी है उसको फ्लू शॉट लेना चाहिए, 6 महीने से नीचे बच्चे को नहीं देते, इसलिए वो बच्चे के साथ पेरेंट्स को, बाकी सब लोगों को लेना ज़रूरी है, ताकि उनसे उसको ना हो जाए, राइट। फ्लू वैक्सीन जो होते हैं 2-3 प्रकार के होते हैं, एक तो ट्राइवेलेंट, जिसमें 3 वायरसेस H1N1, हेपेटाइट, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इनके अगेंस्ट वैक्सीन होती है। H1N1 तो होती है, ट्राइवेलेंट में भी होती है और क्वाड्रीवेलेंट में भी होती है। सो H1N1 के खिलाफ जो वैक्सीन है वो ये फ्लू वैक्सीन, और ये काफ़ी हद तक सेफ है। देखिए, कोई भी सुई लगेगी, इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं, रिएक्शन का चांस हो सकता है, चाहे वैक्सीन हो चाहे कोई भी सुई हो, वो ज़रूर रहेगा। सो उसके बारे में आपको ध्यान देना है। और क्या करना है, मान लीजिए आप उस इलाके में जहां H1N1 फैला है, तो ये बात याद रखिए कि अपना नाक और मुंह कवर करना है टिश्यू पेपर से, हाथ से नहीं। हाथ से कवर करेंगे तो हाथ में लग जाएगा, हाथ यहां वहां लगाएंगे, फैलाएंगे आप, हाथ से नहीं, टिश्यू पेपर से कवर करिए। टिश्यू पेपर डस्टबिन में डालिए, ऐसी मत फेंक देना, राइट। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो हाथ यूज मत करिए, तब एल्बो में यूज करिए, एल्बो में छींकिए, हाथ टच नहीं करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। और टिश्यू पेपर ट्रैश कैन में जरूर डालना है। हाथ रेगुलरली धोइए, अगर आपको ऐसी सीजन में है, छींके आ रही है, तो बार बार हाथ धोइए साबुन पानी से, या फिर एक अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर ले लीजिए। आप बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को टच नहीं करेंगे। जिन लोगों को दिक्कत ज़्यादा है, जो ज़्यादा बीमार हैं, उनके पास जाना अवॉइड करेंगे, राइट। मास्क पहनेंगे अगर ट्रैवल कर रहे हैं या बड़े ग्रुप में जा रहे हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल या क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। ज़्यादा लोग हैं, 10-20 लोग हैं, 10-20 में एक को फ्लू तो होगा, चाहे वो स्वाइन फ्लू ना हो, दूसरा फ्लू, फ्लू सीजन में फ्लू फैल सकता है ऐसे में, तो उसमें मास्क पहन के जाएंगे। अपनी पर्सनल चीज़ें लोगों को मत दीजिए, मेकअप, आपके पेन, आपके यूटेंसिल, आपके स्पोर्ट्स की चीज़ें वो दूसरों को देते हैं, तो हो सकता है उनका सलाइवा, उनकी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उससे आपको वापस अपनी चीज़ भी मिले और वायरस भी मिले। सो इसलिए फ्लू से बचने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। मान लीजिए हो गया फ्लू तो घर पे रुकिए, बैठिए, घर घर पे रेस्ट करिए, बाहर जाके लोगों को मत फैलाइए। कब तक घर पे रेस्ट करना है, अपने घर वालों से मिल सकते हैं, घर वालों का स्क्रीनिंग कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करिए बहुत ज़्यादा लोगों के आसपास रहना, जब तक आपको फीवर
ख़त्म हो के 24 घंटे नहीं, 24 घंटे बिना फीवर के तब आप आराम से घूम फिर सकते हैं। सो ये प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, याद रखिए, फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के अंदर H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस जाता है और वो खुद ही उसे मार भगाते हैं, अपने आप उससे जीत जाते हैं। लेकिन आपको देखना है कि अगर आपको कोई सिम्टम हो रहा है तो आपकी ट्रीटमेंट ज़्यादा से जल्द शुरू हो, और अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आपकी अंदरूनी शक्ति और प्रबल हो जाती है इसको अपने आप मार देने में। सो इसलिए वैक्सीन लेने में ही समझदारी है। स्वाइन फ्लू, फ्लू शॉट के वैक्सीन का वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें इस ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन पूछिए या अपने डॉक्टर से बात करिए। और हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए डॉकवाइज एप्लीकेशन डाउनलोड करके मुझसे कनेक्ट करने के लिए B6VPG मेरा पिन कोड है डॉक पिन, उसमें डाल के आप मुझसे ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्वाइन फ्लू वैक्स प्रॉब्लम। ज़रूर इसको शेयर करना है। करंट टाइम है दिल्ली NCR में या इंडिया में कई जगहों पे फैला हुआ है, इंडिया में तो यार फैला दो इसको। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जानकारी सबको होनी बहुत ज़रूरी है। फिर से नाम बता रहा हूँ दवाई का, ओसेल टामीवीर और जिनामीवीर। कई बार ओसेल टामीवीर प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं, राइट? अगर आप ऐसे पेशेंट के आसपास जा रहे हैं जिसको स्वाइन फ्लू है तो आप प्रिवेंशन के लिए भी ले सकते हैं। उसके लिए अपने डॉक्टर से डोसेज की बात करिएगा, आपके एज के, आपके वेट के हिसाब से आपको डोज दिया जाएगा। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट स्वाइन फ्लू। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए। हेल्थ नॉलेज है, फैलाना आपका काम है, नॉलेज ज़रूर फैलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।